अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अभी सवाल ये सदरी वेतली अमरी वाहिर उत्तम लिसानी फोकोली उबिज नील मा। अच्छा जी, ऑटम वाइज के हम काफ़ी सारे सवाल हम ऑलरेडी कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये भी ऑटम वाइज का एक सवाल है, क्वेश्चन रिलेटेड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। रिकमेंड पढ़ लेते हैं, ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं, 19 मार्क्स का एक बहुत ही स्कोरिंग सवाल है, और आपको ये रियलाइज होगा कि हाँ यार वाकई से पेपर में मार्क्स उठाए जा सकते थे। ठीक है जी, सवाल की रिकमेंड पढ़ लेते हैं। कैलकुलेट द बजटेड प्रॉफिट फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2022 यूजिंग स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग। थोड़ा सा मार्जिनल कॉस्टिंग उन्होंने टच किया है, बहुत ही आसान 5 मार्क्स है। और फिर कह रहा है कंप्यूटिंग फॉलोइंग वेरिएंसेस फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2022। ये वेरिएंसेस निकाल लें, सेल वॉल्यूम वेरिएंस, मटेरियल प्राइस एंड यूजेज वेरिएंस। सेल वॉल्यूम वेरिएंस देखें कोर्स में है, पहले भी बता रहा था, खामा खा की कंफ्यूजन थी, मगर नई स्कीम में तो बिल्कुल क्लियर था। खैर अच्छा, मटेरियल प्राइस एंड यूजेज वेरिएंस, लेबर रेट एंड एफिशिएंसी वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड एंड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर एंड एफिशिएंसी वेरिएंस। तो ऑलमोस्ट तकरीबन वेरिएंसेस ही इसने निकालने को बोल लिया है, सिर्फ सेल प्राइस ही नहीं है मेरे ख्याल से। तो सवाल पढ़ लेते हैं। नेपच्यून लिमिटेड एनएलएस इंगेज इन प्रोडक्शन ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट लूनर वन एंड यूजेस स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एनएल हैज टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 6 to 5 यूनिट्स पर मंथ, व्हेयर इट ऑपरेट्स एट नॉट अ नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 80%। नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ 80%, ठीक हो गया जी, पिछला सवाल सॉल्व हो गया। ऊपर खैर क्वेश्चन नंबर 8 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। भाई टोटल कैपेसिटी हमारी कितनी है? टोटल कैपेसिटी हमारी है 6,250। ये सवाल में इन्वॉल्व होने के लिए आपको पता है ना, हम शुरू में डेटा बनाते हैं, तो जो हमारी नॉर्मल कैपेसिटी जिस पे सारा काम होता है, जिस पे ओएआर निकलता है, जिस पे सारी एस्टीमेट बनते हैं, कितने परसेंट कह रहे हैं जी? 80% कह रहे हैं जी, 5,000 यूनिट्स हो ठीक है, 5,000 यूनिट्स। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें आगे, हमसे बोला जा रहा है मटेरियल जो है 8 kg लगता है, 30 के हिसाब से 240, लेबर 6 घंटे लगता है, 25 के हिसाब से 150, वेरिएबल ओवरहेड 20 पर लेबर आर, क्योंकि 6 घंटे हैं तो 26 से 120। खाली ओवरहेड लिखा तो आपको बताइए टोटल ओवरहेड्स हैं, टोटल का मतलब होता है वेरिएबल भी है और फिक्स भी है। तो मेरा बेहतरीन मशगला क्या होता है, मैं भी आपको बताता हूँ बेहतरीन मशगला। नीचे लिखा है बजट फिक्स ओवरहेड 2 लाख है इसमें, तो आपको अगर ये बताइए कि टोटल ओवरहेड रेट पर यूनिट पर यूनिट कितना है? 120 पर यूनिट है, पर आर 20 है, मतलब पर यूनिट ऊपर लिखा ना, पर यूनिट, पर यूनिट 120 है ना। अब इसके अंदर कुछ वेरिएबल भी है, फिक्स भी है, फिक्स ओवरहेड रेट निकाल लेते हैं पर यूनिट, और वेरिएबल भी निकाल लेंगे। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि आपका पास टोटल ओवरहेड है, ठीक है, आपने क्या किया कि फिक्स ओवरहेड का रेट निकाल लिया। मेरा बेहतरीन मतलब सबसे मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं शुरू से ही सेग्रीगेट करता हूँ इसको ना। तो फॉर्मूला क्या होता है, बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड ओवरहेड्स, बजटेड फिक्स ओवरहेड, ऑब्वियसली ये फिक्स का रेट निकल रहा है। बजटेड यूनिट हमारे जो है वो 5,000 है, आ गया 40 पर यूनिट। जो वेरिएबल ओवरहेड रेट होगा पर यूनिट वो फिर बैलेंसिंग हो जाएगा ना, मैंने पर यूनिट निकाला है ख्याल, ठीक है, पर यूनिट निकाला है ना, आप पर आर भी निकाल सकते हो, मगर मैंने पर यूनिट निकाला है। अच्छा, अगर आप फिक्स ओवरहेड का रेट पर, ये पर यूनिट मैं वापस कह रहा हूँ, क्योंकि यार ये कन्फ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स को ना, खामा खाए की, बट अगर आपको फिक्स एफओएच रेट पर आर निकालना है तो भी कोई इशू नहीं है। तो बजटेड आर कितने होते हैं, उसे पेन से लिखता, यूनिट से 5,000, 1 मिनट में 6 घंटे लगते हैं, लिखा 6 घंटे, ठीक है। तो फिक्स एफओएच का रेट जो है पर आर अगर निकालना है, जो होगा बजटेड फिक्स ओवरहेड, वैसे पर आर की भी जरूरत नहीं है, मगर मैं बात करूं फिक्स ओवरहेड्स बजटेड आर्स, एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ वैसे ऊपर वाले तरीके से, काफी सारा काम हो जाएगा। 2 लाख के ओवरहेड दिए हैं सवाल में, बजट ये दिए हैं, डिवाइड कर लें, बजट 8 है, बजट 8 कितने, 30,000।
167 पर आवर। तो अगर वेरिएबल का भी रेट निकालने पर आवर, ये काम करें वेरिएबल का कोई रेट, क्योंकि वो आगे वेरिएंस में आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका सवाल में रेट था 20 पर आवर। टोटल ओवर हेड का रेट 20 था ना भाई, याद आ रहा है 20 था भाई। फोकस 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 करें इस पर प्लीज। 13.33 पर आवर, क्या ये बात समझ आती है? आर वी क्लियर टिल दिस पॉइंट? ठीक है, तो ये मैंने शुरू में कुछ काम कर लिए ताकि परेशानी ना हो भाई, ये किसी और सवाल का कुछ और तो नोट कर लो इतने में, गेम को आगे बढ़ा, नोट कर लो जल्दी। अच्छा हो गई नोटिंग, आगे बढ़े। क्या कह रहे हैं भाई आगे? आगे हमसे कह रहे हैं डेटा आ गया, सेलिंग प्राइस पर यूनिट बजटेड 700 है, बजटेड सेल 4000 है, एक्चुअल सेल 5200 है, बजटेड प्रोडक्शन हम पहले निकाल चुके हैं, वो भी लिख लेते हैं ना, क्योंकि जब डेटा एक्चुअल बजट का चल रहा है, बजट प्रोडक्शन नॉर्मल कैपेसिटी को कहते हैं, वो 6250 का 80% शुरू में निकालते हैं ना यार ये रहा। अरे बाबा ये रहा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल फॉलो करना पड़ेगा ना सवाल को। अच्छा फिर देयर वाज नो ओपनिंग स्टॉक, अच्छा ओपनिंग स्टॉक नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं है। एज्यूम कर लें, एज्यूम कर लें का? अरे का एज्यूम कर लें हम? नहीं एज्यूम नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा, क्योंकि सेल कम हुई है प्रोडक्शन ज्यादा हुई है, बराबर नहीं है दोनों यार, ओपनिंग भी नहीं है, तो ये मुझे लग रहा है 200 यूनिट्स का क्लोजिंग है एक्चुअल एक्चुअल। ये भी कहीं हम लिख लेते हैं ना यार क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि यार ओपनिंग नहीं है ना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। वैसे तो आपको पता है फॉर्मूला मैं सिखा चुका हूँ आप लोगों को, ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग, याद आ रहा है ये फॉर्मूला भाई, बहुत दफा यूज हुआ है। और बजटेड क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलेगा? बजटेड स्टेटमेंट बनानी है, यूनिट बजटेड प्रोडक्शन है, बजटेड प्रोडक्शन 5000 है और एक्चुअल बजटेड सेल 4000 है, सेल 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 माइनस प्रोडक्शन, मैं लिख भी देता हूँ यार चलो। -4 ठीक है, मेरे ख्याल से पहली रिक्वायरमेंट हम बहुत गरीब आ गए हैं भाई। अच्छा आगे क्या कह रहे हैं, आगे पढ़ लेते हैं। देयर नो 50,000 की डायरेक्ट केजी डायरेक्ट मटेरियल वाज परचेज इन बल्क इन ऑर्डर टू अवेल डिस्काउंट ऑफ 150। साफ साफ बता दें कौन सा वेरिएंस आएगा, साफ साफ बता दें इस लाइन से, थियोरेटिकली भी स्ट्रॉन्ग करना है ना अपने आपको, साफ साफ बता दें कौन सा वेरिएंस आएगा। मटेरियल 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 प्राइस, हाँ या मटेरियल यूजेज। मटेरियल प्राइस या मटेरियल यूजेज, क्या कहते हैं? हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस आ जाएगा। अच्छा एक्चुअल लॉस वाज 10% अगेंस्ट द बजटेड लॉस ऑफ 6%, बजटेड लॉस 6% था, मटेरियल में लॉसेस का इफेक्ट लर्निंग का भी बहुत पड़ा है, मैंने 12 लिमिटेड में समझाया भी था, तो आज इसको वापस अप्लाई करने का टाइम आ गया, तो कह रहे बजटेड लॉस जो था वो 6 था मगर एक्चुअली 10 हो गया, तो मटेरियल यूजेज एडवर्स होने का है, वर्कर वेजेस हैव इंक्रीज बाय 10%। अच्छा अब यार ये कुछ लिख भी लेते हैं, कहीं हम इन्वेंट्री बना लेते हैं, मटेरियल प्राइस वेरिएंस फेवरेबल आने का है, डायरेक्ट भी ले सकते हैं मगर अभी फिलहाल हम इसको सिंपल कर लेते हैं, मटेरियल यूजेज एडवर्स आएगा, क्योंकि यार अगर बाद में वर्किंग में अपोजिट आएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, इसका मतलब है कि हमने वर्किंग में कोई प्रॉब्लम किया है ना, क्योंकि साफ नजर आ रहा है मटेरियल वेस्ट हुआ है, वेस्टेज बढ़ गया, नुकसान होगा। लेबर रेट वेरिएंस भी एडवर्स है क्योंकि वेज रेट बढ़ गया, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस के बारे में कुछ कह रहे हैं वो पढ़ लेते हैं, वेरिएंस कैलकुलेट नहीं मगर एक हम लिख रहे हैं, क्योंकि सेकंड पार्ट में तो करना ही है ना, तो क्या कह रहे हैं कि जी 10% इंक्रीज हो गई वेज रेट फ्रॉम 1 अगस्त यानी कि मंथ के शुरू में, क्योंकि मंथली हम काम कर रहे हैं, मंथली काम करें तो पूरे मंथ के लिए एप्लीकेबल है, ड्यू टू प्रिवेलिंग हाई इन्फ्लेशन द इंक्रीज वर्कर्स एफिशिएंसी हुआ है, दिस इंक्रीज वर्कर एफिशिएंसी बाय 5% एज कम्पेयर टू बजट। 5% क्या हो गई? फेवरेबल आवर्स कम हो जाएंगे ना यार, ठीक है तो ये कहानी है। लास्ट में क्या कह रहे हैं हमसे, लास्ट में कह रहे हैं कि जी एक्चुअल ओवरहेड जो है वो फिक्स और वेरिएबल 720 है, उसमें से फिक्स जो है वो ओवर एब्जॉर्ब हो गए 30 से। अब इसमें लोग
धोखा खा जाते हैं, तो आपने नहीं खाना। 11-20,000 है, इसमें से कुछ एक्चुअल फिक्स्ड है क्योंकि हमें नहीं पता। नहीं ऐसे डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, वो अंडर अब्जॉर्ब्ड है, और जो डिफरेंस होगा वो एक्चुअल वेरिएबल हो जाएगा। अगर हमें भी कुछ नहीं पता तो भी ऐसे रहते हैं। रिक्वायरमेंट पहली वाली निपटा लेते हैं भाई, आसान सी रिक्वायरमेंट है। बजट प्रॉफिट लॉस बनाना है स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग से। स्टैंडर्ड प्लीज ध्यान में रहे, और बजट और मार्जिनल कॉस्टिंग से बनाना है तो फिर हम ब्लू रेड पेन का इस्तेमाल अब शुरू करते हैं, जो हमारा नॉर्मल कलर होता है। ठीक है, ये सवाल एम्बेडिंग फैक्टर से रिलेटेड है, और सीगल वीगल जैसे सवाल से मिला के कर लेना 9। मुझे उम्मीद है आपने ट्राई भी कर लिया होगा, नहीं किया तो कर लेना यार। देखो इनकम स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं हम ए पार्ट। यार यूनिट कॉस्ट नहीं निकाली हमने आज, निकाल लें। प्रोडक्ट कॉस्ट निकालते थे याद है, पहला काम अंडर ओवर इसमें निकलता नहीं है ना यार, मतलब अंडर ओवर भी निकलना था। वेरिएबल चाहिए खाली, मटेरियल होगा, लेबर होगा, वेरिएबल ओवरहेड होगा, सब निकला हुआ यार। मटेरियल 240 है, लेबर 150 है, और वेरिएबल ओवरहेड अभी हमने निकाला था 80 था ना। ये देखो ये रहा, वापस देखें 240, 150, 80। बन गया 470। ठीक है, अब पीएनएल बनाने जा रहे हैं। सेल्स सबसे पहले आएगी, बजटेड सेल्स, क्योंकि यार ये ध्यान मेरे बजटेड है भाई, ऊपर इतना बड़ा बजटेड लिख रहा हूँ ताकि परेशानी ना, ठीक है ना, ताकि आपको परेशानी ना हो। सेल्स सेल्स बजटेड 4,000 है मेरे पास, पीछे मैंने देखा था मल्टीप्लाई बाय प्राइस थी 700। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक नहीं, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट निकाल लें। आसान है यार, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट बजटेड है भाई, बजटेड है, बाकी क्लोजिंग स्टॉक में चला जाएगा। बजटेड कितना था, 5,000 यूनिट से ना निकाल था, यूनिट कॉस्ट कितनी है 470, तो यही तरीका था, याद करें 520 × 470 कितना बनता है, 2,350,000 है ना क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक 1,000 आया था ना, ये था बजटेड क्लोजिंग, एक्चुअल तो नहीं चले ना। माइनस कर दें, माइनस कर दिया, क्या बन रहा है, ग्रॉस एंड नेट सेम, क्योंकि वेरिएबल सेलिंग नहीं तो यही नेट सेम हो जाएगा। 920 उसमें फिक्स एक्सपेंस माइनस कर दीजिए, फिक्स कॉस्ट जो माइनस होती है वो एक्चुअल होती है, लेकिन फिक्स एक्चुअल नहीं दी, ये एक मसला है। जब भी 5 मार्क है इसके, वरना शायद ये 3 मार्क से ज्यादा का नहीं होता मेरे ख्याल से। फिक्स कॉस्ट में मेहनत है, फिक्स कॉस्ट में थोड़ी मेहनत है, मसला ये है कि फिक्स कॉस्ट में ना उसने अंडर ओवर निकाल के दे दिया, जो कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आता है, मार्जिनल कॉस्टिंग में नहीं आता ना यार, इसके लिए मेहनत है। ठीक है, W2 कर लो, W1 कर लो, चलो इसको देख लो यार, ये इम्पोर्टेंट है, इसमें अक्सर गड़बड़ होने के चांसेस रहते हैं। वो कह रहा है भाई एक्चुअल ओवरहेड इतने हैं, फिक्स ओवरहेड जो है ओवर एब्जॉर्ब हुआ है 30 से, तो 2-30 कर लेते हैं, 2-30 समझते हैं कि 2 लाख बजटेड था, 30 से ओवर एब्जॉर्ब हो गया। नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा हरगिज नहीं। अंडर ओवर कैसे निकालते थे, अगर मैं अंडर ओवर के कॉन्सेप्ट को रिकॉल करूँ तो हम पहले ओ आर लिखते थे, वो भी पर यूनिट वाला, पर आर वाला नहीं लिखते थे, अगर आपको जहाँ तो ओ आर लेते थे फिक्स का, पर यूनिट पर आयर नहीं, पर यूनिट, क्योंकि
क्वेश्चन 40 निकाला था हमने, 40 निकाला था ना ऊपर यार, ये देखो ये रहा, अरे 40 निकाला था ना, ये रहा भाई 40, पर यूनिट की बात हो रही है, पर यूनिट ठीक है ना, सो मल्टीप्लाई करते हैं एक्चुअल यूनिट से, तो अब बात है एक्चुअल यूनिट प्रोड्यूस्ड, क्योंकि 54 ओवर हेड अब्सॉर्ब डाले ना, गया कितना हो गया, मल्टीप्लाई करो भाई 216,000, ठीक है एक्चुअल ओवरहेड्स कितने हैं, इसी ना करते ना एक्चुअल ओवरहेड से कंपेयर करते हैं, जो कि हमें नहीं पता, ओवर ही अंडर है, ये ओवर कह रहा है 30 से ओवर कह रहा है, ये ओवर का मतलब है कौन ज्यादा होगा, कौन ज्यादा होगा बैलेंसिंग फिगर है, कौन ज्यादा होगा एक्चुअल ज्यादा होगा या एब्जॉर्ब ज्यादा होगा, मेरे ख्याल से एब्जॉर्ब ज्यादा है, ये ओवर हुआ है, ये ज्यादा हुआ है, ये एडिशनल हुआ है, ये ओवर स्टेट हुआ हुआ है, ये इंक्रीज हुआ हुआ है, एक्चुअल इसका मतलब छोटा है, 30 से छोटा है, 30 से छोटा है, 186 हो गया ना भाई, वेरीफाई भी करवा देते हैं, देखो ये बड़ा है जब ये ओवर एब्जॉर्ब आया, ये छोटा है जब ये ओवर एब्जॉर्ब आया, ठीक है, तो एक्चुअल ओवरहेड 186 है, ये मिस्टेक होने के चांसेस हमेशा रहते हैं। अच्छा मगर मसला ये है कि मगर बात समझ नहीं आई सर, बात समझ नहीं आई सर, ये निकाल क्यों नहीं आया, ओ भाई मैं खुद भूल गया बनाते बनाते, बजट बनानी थी ना, तो मैंने एक्चुअल निकाल के क्या करूंगा, ओ माय गॉड, चलो देखो अब ये वो चीज है जो छोटी छोटी, मैं आदत है ना एक्चुअल बनाने की, हमें एक्चुअल लिखने की भी आदत है, ऐसा है नहीं है, मुझे बताएं, चलो ईमानदारी से बताएं, क्या हम पेपर में जब एक फ्लो में काम कर रहे होते हैं तो हमारे दिन में वो आ रहा होता है जो हम अक्सर कर रहे होते हैं, एग्री करेंगे, तो अब कहेंगे सर ये मेहनत आया हो, ये नहीं रहेगा नहीं जाएगी, कोई मेहनत आएगा नहीं जाएगी, तो भाई बजट तो हमें पता है 2 लाख थे, क्यों आपने इतना सस्पेंस क्रिएट किया, ये समझो मैंने बीइंग अ स्टूडेंट सॉल्व कर लिया, ठीक है, वैसे आपस की बात है यार, कोई ढकी छुपी बात नहीं है भाई, कि वाकई मैं खुद भी वो हो गया था कि यार बजट 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 करते करते मैं एक्चुअल पे चला गया था, क्योंकि हमेशा हम एक्चुअल माइनस करते थे जब एब्जॉर्प्शन माइनस होता था, बट खैर ये वर्किंग हमारी रहेगा नहीं जाएगी, 5 मार्क हमारे ऑलरेडी अलहमदुल्ला सिक्योर हो चुके हैं, यहाँ तक कोई सवाल है किसी का तो पूछ ले, आर वी क्लियर टिल दिस पॉइंट, कोई सवाल कोई कन्फ्यूजन पूछ लें भाई फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा जी तो क्या बात कर रहे थे, ये हमने पहला पार्ट कर लिया, सेकंड पार्ट वेरिएंसेस हैं, सबसे पहला वेरिएंस है सेल वॉल्यूम वेरिएंस, अब चूंकि मार्जिनल कॉस्टिंग है तो आपको याद होगा सेल वॉल्यूम में मैंने 3 वेरिएंस बताए, वॉल्यूम वर्जन कंट्रीब्यूशन वर्जन और क्या कहते हैं टर्नओवर, क्या कहते हैं प्रॉफिट वर्जन, कंट्रीब्यूशन वर्जन और प्रॉफिट वर्जन, इसको सिंपल कर लेते हैं बात को यार, फॉर्मूला क्या है, यहाँ से शुरू करते हैं बात को, ठीक है फॉर्मूला आपके सामने आ रहा है, सेल वॉल्यूम वेरिएंस का फॉर्मूला हम पहले लिखेंगे, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से नहीं मार्जिनल कॉस्टिंग से करना है, ए पार्ट करने जा नहीं बी वन करने जा रहा हूँ ना मैं यार, बी वन हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फर्स्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं, ये यार हमारे रिलेवेंट नहीं है, छोड़ दें, ठीक है ब्लैक से कर दूं डिवाइड, बॉर्डर बन गया ब्लैक से, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं हमेशा की तरह, एक्चुअल सेल्स वॉल्यूम स्टैंडर्ड सेल्स वॉल्यूम यूनिट्स में, सब यूनिट्स में स्टैंडर्ड सीएम पर यूनिट, स्टैंडर्ड सीएम पर यूनिट अभी निकाल लेते हैं, एक्चुअल सेल्स वॉल्यूम हमारा है 5200 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, स्टैंडर्ड सेल्स वॉल्यूम हमारा था 4000, ठीक है ना, यही है ना भाई, गलती तो नहीं कर रहा है, 5200 एक्चुअल सेल्स वॉल्यूम, बजट हमारा 4000 था, कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकाल लेते हैं, यूनिट कॉस्ट कितनी थी, 470 थी मेरे ख्याल से, 470 थी ना यार, कंट्रीब्यूशन मार्जिन हो जाएगा 700 माइनस 470, ये आपका हो गया,
इतना आगे 276,000 यूनिट बढ़ गए, अच्छी बात है, प्लस में आता है, अच्छी बात है, सेल्स बढ़ना अच्छी बात है, सेल्स में प्लस होना फेवरेबल होता है, ठीक है। बी टू में मटेरियल प्राइस वेरियंस है, मटेरियल प्राइस वेरियंस वैसे यार निकालने की जरूरत नहीं है, वैसे बोलोगे तो मैं निकाल दूंगा, वैसे मुझे लग नहीं रहा कि निकालने की जरूरत है। मटेरियल प्राइस वेरियंस का फॉर्मूला वैसे होता है एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल क्वांटिटी। मजे की बात ये एक्चुअल प्राइस बताई भी नहीं है इसका, और डायरेक्ट बता दिया डिस्काउंट कितना है, डायरेक्ट बोलोगे तो मैं कैलकुलेट कर लूंगा, मगर यार मुझे कोई नीड समझ नहीं आ रही है इसमें, बोलते हो तो कर लेता हूँ कि 50,000 केजी पे उसने 1.5 लाख का डिस्काउंट ले लिया है, तो 1 केजी पे डिस्काउंट हो जाएगा, अगर 1 केजी पे डिस्काउंट चाह रहे हो निकालना तो 150,000 डिवाइड बचा 5, 50,000 3 रुपये का आ जाएगा डिस्काउंट। 1 मिनट स्क्रीन हैंग हो रही है, 1 मिनट, हाँ ये आ गया, 3 3 आ गया पर केजी, ठीक है। तो वैसे मैं मतलब डायरेक्ट कर लो, बट चलो ठीक है, मैंने कहा यार अभी तो मैं अभी 50,000 केजी पे वेरियंस निकालूंगा ना, बाकी पे तो वेरियंस निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एक्चुअल प्राइस कितनी हो जाएगी, एक्चुअल प्राइस हो जाएगी 30 माइनस 3 डिस्काउंट, ठीक है। तो हमारे पास वो क्या हो जाएगा, क्या नाम है, मटेरियल प्राइस वेरियंस, एक्चुअल प्राइस 27, स्टैंडर्ड प्राइस 30 है, 50,000 के, तो वही देखो 1.5 लाख आने का फेवरेबल आएगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट भी कर सकते हो, अच्छा खैर तो मैंने इस पर हमें खेमे इतनी लंबी बात की, बट चलो ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मटेरियल यूजेज वेरियंस ये इंपॉर्टेंट है यार, इस पर टाइम लगेगा, जब भी ऊपर वाले पे इतना टाइम नहीं लगा। मटेरियल यूजेज वेरियंस का फॉर्मूला होता है एक्चुअल यूजेज माइनस स्टैंडर्ड यूजेज अलाउड अलाउड स्टैंडर्ड प्राइस, ठीक है। अब इसके लिए हमें थोड़ा देखना पड़ेगा, इसको आप गौर से देख, अच्छा इसको पहले नोट कर लें, नोट करें फिर हम आगे बढ़ते हैं, और खुद दिमाग लगाएं पहले, खुद सोचें अगर होता है तो अच्छी बात है, वरना फिर आगे। अच्छा यार स्टैंडर्ड यूजेज तो सही है, सवाल में दी हुई 8 केजी ना, वो मसला नहीं है, सही है। अलाउड भी निकल आएगा क्योंकि एक्चुअल प्रोडक्शन में पता है अलाउड निकल आएगा, स्टैंडर्ड प्राइस में पता है, बस एक मसला है कि एक्चुअल यूजेज का मसला है यार, प्रॉब्लम करेगी ना वो आपको एक्चुअल यूजेज करेगी, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा इस पे टाइम लगाना पड़ेगा, ये थोड़ी देखना। चलो अब इसको निकालने के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, जरा गौर से सुनिएगा, हमने एक फॉर्मूला सीखा था, मैं साइड में करूँगा, करना चाहूँगा बल्कि, ठीक है जी, यहाँ पे नहीं करना, मैं साइड में करूँगा बल्कि, हमने एक फॉर्मूला सीखा था, अगर आपको याद आ रहा हो, डिफरेंट कलर से कर लेते हैं, ब्लू से कर लेते हैं, मटेरियल कॉस्ट दूसरे और लॉस माइनस कॉमन लॉस, तो मटेरियल कॉस्ट इंक्लूसिव, याद है लर्निंग कर्व में बहुत दफा यूज हुआ, ठीक है। और ये रेलिवेंट कॉस्टिंग टू एलिमेंट वगैरह में मैंने आपको एक दफा सिखा दिया था, इलस्ट्रेशन भी करा चुके हैं। जब सवाल ये है कि यार लॉस अभी कितना था, जब बजट की बात हो रही है, जब बजट की बात हो रही है, एस्टिमेट की बात हो रही है, तो बजट के वक्त देखा जाए तो लॉस था, वो कह रहा है कितना था पहले, अभी लॉस 10 हो गया है, अभी लॉस 10 हो गया है, पहले 6 था, यानी कि इसका मतलब जो 8 केजी दिया हुआ है ये 8 केजी लॉस के बाद है, मगर कितने लॉस के बाद है, आफ्टर 6% लॉस, बात समझ रहे हैं, देखिए लॉस इनकॉर्पोरेट हुआ हुआ है इसमें, लॉस इनकॉर्पोरेट हुआ हुआ है इसमें, तो आफ्टर 6% लॉस। अब इधर आ जाए, इधर आ जाए, आफ्टर 6% लॉस, तो इधर गया भाई। अब अगर हम बात को आगे बढ़ाते हैं तो ये जो 8 केजी है ना, ये इंक्लूसिव ऑफ लॉस है, मैं वापस कह रहा हूँ, क्योंकि देखो ये वो फिगर है जो एक्चुअली मटेरियल खरीदा जाएगा, मटेरियल खरीदा लॉस को भी देख के खरीदा जाएगा ना, वरना मटेरियल तो कम पड़ जाएगा, तो मटेरियल अब तो इनपुट, मतलब मैं इसको कहूंगा अगर टेक्निकली बात करूँ, यानी कि ये इंक्लूसिव ऑफ लॉस है, यानी कि इसमें लॉस शामिल है, यानी कि ये फाइनल फिगर है, यानी कि ये मटेरियल परचेज हुआ जाएगा, और 1 महीना नॉर्मल लॉस 6% है, एक्स आ जाएगा मटेरियल एक्सक्लूसिव ऑफ लॉस, ठीक है, मल्टीप्लाई कर ले यार, क्या आ रहा है 7.52 केजी। अब एक्चुअल क्या हो गया,
10%, वेस्टेज 10% हो गया। अब क्या हो जाएगा, अब वही फॉर्मूला वापस लगाने हैं। फ्यूचर लॉस हमें पता है 7.52, तो ये हो जाएगा कितना, 8.356, 8.356 कितना है। ठीक है, तो ये हो गया 8.356 मटेरियल इंक्लूसिव लॉस। ठीक है, ये तरीका यार इसकी लॉजिक मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ पीछे के लेक्चर में, तो मैं वापस इसलिए यहाँ पे टाइम नहीं लगाऊंगा, बहुत डिटेल में मैंने जैसे कहा दूसरे टॉपिक्स में बात हो चुकी है। एक्चुअल यूजेज जो है वो कितनी हो जाएगी, मैं अगर इसको कनेक्ट करना चाहूँ यहाँ से, एक्चुअल यूजेज है 8.356 इंटू 5400 यूनिट्स, 5400 यूनिट एक्चुअली प्रोड्यूस हुए ना भैया। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे आप, करते हैं मल्टीप्लाई यार, और कितना बनता है मैं कर देता हूँ, 8.356 45122.4, कोई बात नहीं डेसिमल में आने दे। और स्टैंडर्ड यूजेज अलाउड कितनी हो जाएगी, अलाउड मीन बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन, याद है स्टैंडर्ड बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन, तो 8 kg इंटू 5400, सिंपल ये ना, 8 इंटू 5400 43200, 43200, सॉरी क्या, फाइनल कर लेते हैं इस पर, एक्चुअल यूजेज है 45, स्टैंडर्ड यार वो कितना था, 30 था ना प्राइस, तो क्या आ रहा है अवेलेबल है, एडवर्ड्स है मेरे हिसाब से, तो एडवर्ड्स हो गया क्योंकि वेस्टेज है ना, और नजर भी आ रहा है प्लस में आ रहा है, कॉस्ट बढ़ना बुरी बात है, याद है कॉस्ट बढ़ना बड़ी बात है, बड़ी बात है, 77600। ठीक है जी, मटेरियल मजेदार था, इसको भी नोट कर लिया प्लीज, इसको नोट कर लिया, मैं एक विंडो में ले आता हूँ उसको, एक स्क्रीन में आ जाइए, ठीक है जी, डन है, नोट करें जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब यार अगले वेरिएंस लेबर के मेरे ख्याल से सवाल देख लेते हैं, कहाँ तक पहुँच गया, क्या क्या हो गया हमारा, गया सेल वॉल्यूम वेरिएंस हो गया, स्क्रीन खत्म कर रही है, सेल वॉल्यूम वेरिएंस हो गया, मटेरियल प्राइस हो गया, मटेरियल यूजेज हो गया, अब लेबर रेट एफिशिएंसी, फिक्स ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड, एफिशिएंसी और एक्सपेंडिचर, 5 वेरिएंस रहेंगे। पहले लेबर रेट कर लेते हैं, लेबर में वो कह रहा था कि वो लेबर को हमने ज़्यादा वो कर दिया है, 10% कर दिया, और एफिशिएंसी 5% से इम्प्रूव हो गई है, तो पहले हम लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला लिखते हैं, इसी में हमारा जो है ना एफिशिएंसी वाला काम भी जाएगा। ठीक है, एफिशिएंसी वाला काम भी हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, जगह निकाल लेते हैं, इधर इधर कर लेते हैं, सही है, लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल लेबर रेट पर आवर, स्टैंडर्ड रेट पर आवर, एक्चुअल आवर्स, रेट सवाल में दिए हैं, एक्चुअल आवर्स में मसला है यार, एक्चुअल रेट पे मेरा बात कर लेता हूँ, बढ़ रहा है ना वो 10%, बल्कि निकाला था यार एक्चुअल रेट, निकाला है एक्चुअल रेट, मुझे याद पड़ रहा है कहीं लिखा है तो, नहीं निकाला, पच्चीस है ना ये, अभी निकाल लें 25 है, एक्चुअल कितना हो जाएगा, डू 1.1 कर दो, एक्चुअल आर्ट्स में थोड़ा मसला है, पहले स्टैंडर्ड आर्ट्स अलाउड निकाल लो, 5400 यूनिट है ना, 6 घंटे लगते हैं 1 यूनिट बनाने में, ऊपर लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई करो 5400 से, ये आगे वेरिएबल ओवरहेड के एफिशिएंसी वेरिएंस में काम आएगा, 32400 घंटा, बल्कि ये हमने कहीं निकाले थे 32400, खैर छोड़ो ऊपर उसके लिए नहीं, 32400 अभी निकाल रहे हैं। अच्छा अब एक्चुअल आर जो है ना, देखो ये समझ लो 5% एफिशिएंसी आ गई है,
जो आर्ट बनने चाहिए थे एक्चुअल के मुताबिक, जो आर्ट बनने चाहिए थे, क्योंकि देखो अब आप बोलोगे नहीं सर ये तो स्टैंडर्ड नहीं है, ये स्टैंडर्ड था मगर हमने इसको एक्चुअल यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यूनिट का इफेक्ट इनकॉर्पोरेट हो गया। अब आर्ट्स का इफेक्ट भी इनकॉर्पोरेट कैसे होगा कि वो जो स्टैंडर्ड आर्ट है 6, ठीक है ये अभी चलो मैं आसान करता हूँ, इसका मतलब वो 6 नहीं लगेंगे, 0.95 लगेंगे, 5.7 आर्ट लगेंगे पर यूनिट। टोटल एक्चुअल आर्ट्स कितने हो जाएंगे, मेरी बात समझ आ रही है? चलो मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा, मुझे पता है उससे कंफ्यूजन हो जाएगी, वेरीफाई भी कर लो, मैं तो मेंटल मैथ्स यूज करके कर रहा हूँ। 0.5 सही है, तो 5.7 एक यूनिट में घंटे लगते हैं, क्योंकि एफिशिएंसी हो गई ना भाई, यूनिट तो 5400 है ना एक्चुअल, ये तो एक्चुअल है ना 5400, क्या ख्याल है? तो मल्टीप्लाई कर दो 5400 को 5.7 से, क्या बना? 3780 बन गया। चलो लेबर रेट वेरियंस तैयार हो गया, लेबर रेट वेरियंस तैयार हो गया, फॉर्मूला आपके सामने, एक्चुअल रेट हमारा आ चुका है 27.5, रेट 25, 30780, कर लो यार मल्टीप्लाई भाई, कर लो कर लो कर लो कर लो, क्या बना? 76950 बना, ठीक है। राउंडिंग ऑफ की वजह से मसला ऐसा आना तो नहीं चाहिए, एडवर्ड से नुकसान हो गया। और लेबरेशन की वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी यही निकाल लो, ताकि दोनों यही निमट जाए। एक्चुअल आर्ट्स कितने, ये रहे जी 3780। अलाउड कितने, अलाउड भी है, लो जी मजेदार काम है, मजेदार काम हो गया। और 25 का रेट है, 25 का रेट है 40,500, फेवरेबल है ना, फायदा हो गया, माइनस में आ रहा है, कॉस्ट कम होना अच्छी बात है, और लॉजिक भी है कि वो पहले ही हमने डिसाइड कर लिया था एफिशिएंसी हो रही है तो कम हो जाएगा, तो ये नोट करो जल्दी से। अच्छा अब बड़ा मजेदार काम होगा, बड़ा मजेदार काम होगा यार, ये देखो जी जगह भी बड़ी मजेदार मिली हमें, ओहो जगह भी बड़ी मजेदार मिली। अब अगला वेरियंस कौन सा है, ये भी हो गया, खत्म हो रहा है सवाल, तो कुछ ना बचा ही नहीं सवाल। फिक्स ओवरहेड का वेरिएंस कौन सा वाला, वॉल्यूम कैपेसिटी एफिशिएंसी, कौन सा वॉल्यूम कैपेसिटी एफिशिएंसी, कुछ भी नहीं, फाइनल कॉस्टिंग, एक ही वेरिएंस निकलता है फाइनल कॉस्टिंग में। रिकंसिलेशन याद आ रही है भैया, चिंता रिकंसिलेशन याद आ रही है, तो कौन सा वेरियंस होता था, एक ही तो होता है, B4 की बात हो रही है, फाइनल कॉस्टिंग में एक ही वेरियंस होता है, नाम बता दो यार क्या हो गया। हाँ एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर होता था ना खाली यार, सिंपल सादा, और मैं कहता भी था रिकंसलेशन, अभी टाइम नहीं है, पीछे मैं पूरी रिकंसलेशन सिखाऊं दिखाऊंगा आपको, तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक्चुअल फिक्स ओवरहेड माइनस स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड, मल्टीप्लाई किसी से नहीं होता था ये, क्योंकि ये टोटल टोटल होता है। एक्चुअल ये निकाला भाई, ये देखो बेनत आया नहीं हुई, ए पार्ट में मैंने निकाल लिया था गलती से निकालता, मगर काम तो आ गया, स्टैंडर्ड 2 लाख था, लो जी ये कितना आ गया हमारे पास, 14,000, फेवरेबल एडवर्स, कॉस्ट कम होना अच्छी बात है, अच्छी बात है, माइनस में आ रहा है कॉस्ट वाला वेरियंस, अच्छी बात है, वो अलग होता था कैपेसिटी एफिशिएंसी में एक्सेप्शन लगती थी अगर याद हो, लास्ट बट नॉट द लीस्ट वेरिएबल ओवरहेड के वेरियंस में रह गए, वेरिएबल ओवरहेड का पहले एक्सपेंडिचर वेरियंस है, ठीक है, जो कि किसका भाई होता है, किसका दोस्त होता है, को कहाँ करें यहाँ करें यहीं कर लेते हैं, चलो और बात नहीं, ये किसका दोस्त होता है, किसका भाई होता है, ये लेबर रेट का होता है, लेबर का मेरे रेट है ना यार, तो लेबर वाला सलूक करेंगे, फॉर्मूला क्या है इसका, मैंने तरीका बताया था कि आप लेबर का फॉर्मूला ही लिख दिया करो, एक्चुअल लेबर रेट पर आ रहा है, स्टैंडर्ड लेबर रेट पर आ रहा है, अरे सही तो लेबर लिख रहे हैं भाई, मैंने यही सिखाया, पहले लेबर लिख दो यार, खैर हो गई, हाँ लिख दो कोई बात नहीं, इंटू एक्चुअल लेबर रेट पर आर की जगह, अब ये लेबर की जगह हम चेंज करेंगे ना, टेंशन की बात की, लेबर की जगह कौन आ जाएगा, ओ पूरा चेंज हो गया, वेरिएबल ठीक है, तो एक्चुअल वेरिएबल ओवर रेट रेट कैसे निकलेगा, तो इसके लिए वेट करना पड़ेगा, एक्चुअल वेरिएबल ओवर रेट कितने हैं यार, सवाल में एक्चुअल ओवरहेड दिए,
टोटल ओवरहेड दिए हुए थे सब आखिर में दिए हुए थे, ये दिए 720, 720 पर एक्चुअल फिक्स कितने अभी निकाला, 186 है ना। अरे 186 है ना चंदा, ओ सेवन 20,000 क्या ख्याल है, फिर वेरिएबल ओवरहेड निकाल लें कितने आ गए, माइनस करें यार 720 में से 186, 534। अब इसका रेट निकालना है एक्चुअल का, एक्चुअल रेट पर आवर निकालना है ना यार, एक्चुअल लेबर आवर से डिवाइड करना है, लेबर आवर पहले ही निकले बाजू में निकले 3780 बराबर में लिखे, डिवाइड करें जी, रेट आ गया 17.35, राउंड कर रहे हैं ठीक है, टेंशन ना लें, एक्चुअल वेरिएबल ओवर रेट पर आ रहा है, राउंड कर रहे हैं ठीक है। स्टैंडर्ड रेट सवाल में दिया भाई तो गेम खत्म हो चुकी है अब तो, बहुत ही आसान हो गया, ये ना जी फॉर्मूला अप्लाई कर दें, नीचे भेजें एक्चुअल रेट 17.35 है, स्टैंडर्ड रेट सवाल में हमने निकाल लिया था आई गेस, पर आर रेट निकाल लिया था सवाल में, निकालूं स्टैंडर्ड, अच्छा एक्चुअल वो फिक्स का रेट निकाला था ना, यहाँ कहाँ गया, ये रहा वेरिएबल ओवरहेड का स्टैंडर्ड रेट निकाल चुके हैं पहले 13.33 पर आर, यार फिक्स का रेट निकाल लिया था पर आर, मैंने कहा था ऐसे निकाल के 13.33 में आगे काम आएगा ये मैंने कहा था, अब सवाल का एंड आ गया है तो बिल्कुल आगे काम आ रहा है, कहाँ गया भाई, गुम गया, घुमा नहीं है 13.33333 इंटू एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल आवर्स कितने हैं भैया, वो है 3780, चलो ये वेरिएंस भी निमटता हुआ नजर आ रहा है फिलहाल अल्हम्दुलिल्लाह, देखो क्या आ रहा है, 123736 ठीक है, कोई बात नहीं, राउंडिंग ऑफ की वजह से शायद आगे पीछे हो, एडवर्स एंड कॉस्ट बढ़ना बुरी बात है, बुरी बात है, और लेबर एफिशिएंसी वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी जो आपको पता है लेबर का भाई है, लेबर का रिश्तेदार है, तो मैं लेबर के नीचे ही लिखूंगा इस बार, लेबर के नीचे ही लिखूंगा इसको इस बार, ये है एक मिनट सेटिंग थोड़ी सी आउट हो रही है खामा खाने, चलो ये लो ये नोट कर लिया ना तुमने, मैं यहाँ लिख रहा हूँ वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस ना, ये करके बस सवाल एंड क्लास एंड और क्या, गेम खत्म, सवाल नहीं है वैसे यार ये मेरे ख्याल से, क्या ख्याल है मुश्किल है क्या, एक मिनट यार स्क्रीन लोड हो रही है, थोड़ा सा रह गया भाई सवाल हमें एंड करने दो, एक्चुअल लेबर आवर्स लेबर वाला फॉर्मूला लिखते हैं माइनस स्टैंडर्ड लेबर आवर्स अलाउड अलाउड इनटू स्टैंडर्ड लेबर रेट पर आवर, नहीं स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आवर, फॉर्मूला वही है सिर्फ रेट चेंज होगा, एक्चुअल आवर्स एज इट इज उठा लो भाई 3078 सी के नीचे, इसलिए कर रहा हूँ ताकि परेशानी ना हो, अलाउड आवर्स पहले वही, मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, रेट बस चेंज कर लेना भाई, रेट भी छाप दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी, चलो जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही करीब आ गए हैं हम, पेपर में स्कोरिंग सवाल में समझता हूँ 21595 फेवरेबल कहेंगे ऊपर वाला फेवरेबल माइनस में आ रहा है तो अच्छी बात है, ठीक है जी चले यार रिंग तक रखते हैं, थैंक यू वेरी मच, इसको नोट कर लें, अपना ख्याल रखिएगा प्लीज, दुआ में याद रखिएगा, ये देखें बहुत ही जिसे कहते हैं कि बड़ा सोल्यूशन तो नहीं था ये, बाकी चीजें हुई नहीं इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है नोट कर लें इसको, नोट कर लें ओवरहेड वाले को खास तौर पर नोट कर लें, चलिए कोई सवाल है कंफ्यूजन है पूछ लें भाई, और यार भाई मुझे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो क्वेरी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ, और आप टेस्ट वगैरह जिसके मिस हुए वो टेस्ट दे दे, देखो इतने सारे टेस्ट लिए गए आप लोगों के यार, मजाक है कोई, चेक करके भी वापस दे जाते हैं यार, ऐसा भी नहीं कर रखते हम बैठ जाते हैं, ठीक है चले यार अपना ख्याल रखिएगा, तो याद रखिएगा इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है, असल वरह वा